हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज अमित्याग एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का छठा वीडियो है। इससे पहले पांच वीडियो और आ चुका है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छा से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली मेथड से कैसे करेंगे, ग्राफिक विधि से हल देखेंगे इस वीडियो में। तो देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, समीकरण युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म दिख रहा होगा, वो है x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ये समीकरण युग्म है, इसका हल निकालना हमको ग्राफिक विधि से। हल क्या होता है इसका चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट इसका हल निकालेंगे ग्राफिक विधि से। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिक विधि से हल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण का आलेख खींचेंगे और आलेख खींचने के लिए कम से कम तीन बिंदु मालूम करना पड़ेगा और उन तीन बिंदुओं को मालूम करने के लिए हम बारी बारी से दोनों समीकरण को लेंगे और तीन बिंदुओं को मालूम करेंगे। कैसे करेंगे वो बिंदुओं को मालूम, चलिए देखते हैं। हम यहां पर लिखेंगे x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 के लिए, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब यहां पर x के तीन मान को इस तरीके से लेंगे ताकि y का जो मान है वो पूर्णांक है। y का मान पूर्णांक क्यों आना चाहिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर y का मान पूर्णांक नहीं आया है तो आपको यहां पर ग्राफ में उस मान को इंडिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पहले सोच लें कि x क्या लेने से y का मान पूर्णांक आएगा। चलिए मैं यहां पर सोच लेता हूं, मान लेता हूं, माना x बराबर, अगर हम यहां पर x बराबर सपोज करते हैं कि जीरो ले लिया, देखिए क्या होगा। अगर x हम जीरो लेते हैं तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, ये प्लस 14 को इधर भेज देंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 4 को जब दूसरे पक्ष भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 14 बटे माइनस 4 और ये जो होगा एक पूर्णांक नहीं होगा। इसलिए x बराबर 0 मानना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से अगर x का मान कोई दूसरा एक मानकर आप देखेंगे तो एक मान ले तो क्या होगा, यहां पर x का मान हो गया एक और इधर हो गया 14 एक 15 हो जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा, उसके बाद ये 4 से भाग लग जाएगा तो 15 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ऐसे में y का मान पूर्णांक आएगा नहीं। इसलिए x बराबर 1 भी नहीं लेना चाहिए। तो x बराबर 2 लेके देख लीजिए। x अगर हम 2 लेंगे तो क्या होगा, ये 2 और ये 14 16 हो जाएगा, ये 16 जब बराबर के दूसरे पक्ष आएगा तो ये 4 से भाग लगेगा, तो ऐसे में y का मान 4 आएगा जो कि पूर्णांक होगा। तो चलिए हम लेते हैं x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 है तो यहां 2 पुट करेंगे, माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, ऐसे में 2 और 14 हो जाएगा 16, माइनस 4y बराबर 0 और ये माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 16, ये 16 को इधर भेजेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस को काट देंगे, y बराबर हो जाएगा 16 बट्टे 4, ये 4 को इधर भेजेंगे ये भाग में लगा चला जाएगा, इस तरीके से y बराबर हो जाएगा 4। तो आप यहां पर देख लिए, x बराबर 2 लिए तो y बराबर 4 आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब x का कोई दूसरा मान लेंगे, अब फिर मान लेंगे, माना x बराबर माइनस 2, तो देखिए अगर x बराबर माइनस 2 लेते हैं तो भी y का मान पूर्णांक आएगा। वो कैसे, अगर x का मान माइनस 2 वहां पर पुट करते हैं तो इधर 14 और उधर माइनस 2, ये 12 हो जाएगा, 12 को 4 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, y का मान पूर्णांक आ जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस 2 लिया हूं। तो चलिए पुट करके हल करके देख लेते हैं, x का मान माइनस 2 तो माइनस 2 पुट कर दिया, उसके बाद माइनस 4y थी माइनस 4y रहेगा प्लस 14 तो 14 बराबर 0, ये हो गया माइनस 4y प्लस 14 में 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0, अब ये 12 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 12 और y बराबर हो जाएगा 3, में डायरेक्ट यहां पे कर दिया हूं, माइनस 12 को माइनस 4 से भाग लग जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका x का दूसरा मान हो गया। अब इसी तरह से x का एक तीसरा मान मानेंगे, चलिए मान लेते हैं, माना x बराबर 6, माना x बराबर 6, तो देखिए अगर x बराबर हम 6 मान लेते हैं तो ऐसे में भी y पूर्णांक आएगा। वो कैसे, अगर हम x 6 यहां पर पुट कर देते हैं, 6 और 14 20 हो जाएगा, 20 को 4 से भाग लग जाएगा तो वो 5 आ जाएगा, पूरा पूरा y का मान आ जाएगा, इसलिए x बराबर 6 लेंगे। देखिए क्या होता है, x का मान 6 हमने पुट कर दिया, माइनस 4y और प्लस 14 बराबर 0, ये 6 और 14 हो जाएगा 20, माइनस 4y बराबर 0, अब ये 20 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 20 और ये माइनस 4 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस 4 से भाग लग जाएगा, तो ऐसे y बराबर हो जाएगा प्लस 5। तो ये हो गया
एक्स के तीन अलग अलग मान के लिए वाई का तीन अलग अलग मान। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान सारणी यहां पर बना लेंगे और उससे फिर बिंदु पता कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो मैंने यहां पे एक्स और वाई का मान सारणी तैयार कर लिया। अब इसी से हम निकाल लेंगे ग्राफ के लिए बिंदु है। तो लिखेंगे ग्राफ के लिए बिंदु है, पहला बिंदु हो जाएगा 2.4, दूसरा बिंदु हो जाएगा -2.3 और तीसरा बिंदु हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो अब करना क्या है, इन बिंदुओं को पहले ग्राफ पेपर पे दर्शा देना है। चलिए मैं यहां पर ग्राफ पेपर पे दर्शा लेता हूं, उसके बाद फिर दूसरे समीकरण पे काम करेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु है 2.4, तो एक्स दो आप देख रहे हैं यहां पर है एक्स दो और वाई है चार, तो ये एक्स दो और वाई चार यहां पर है, इस तरीके से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स दो वाई चार यहां पे। ठीक है, एक्स दो वाई चार। ठीक है, उसका दूसरा बिंदु है -2.3, एक्स है -2 और वाई है +3, तो ये एक्स -2 और वाई +3 ये ऊपर की ओर है, इसलिए ये ऐसे आएगा और यहां पर दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा एक्स -2 वाई +3। ठीक है, फिर तीसरा बिंदु है 6.5, एक्स है 6 आप यहां पर देख रहे हैं और वाई है 5। ठीक है, वाई 5 ऊपर है। ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये दोनों यहां पर कटेगा, ये हो गया 6.5। ठीक है, अब तीनों बिंदुओं से होते हुए एक लाइन पास कर देंगे, जो लाइन पास करेंगे वही लाइन हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर मैं जो ग्राफ खींच रहा हूं ये हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो, क्योंकि मैं यहां पर स्केल के हेल्प से नहीं खींच रहा हूं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, स्केल के हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा और सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आलेख, किसका आलेख हो गया, ये हो गया एक्स माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 का आलेख। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे समीकरण का हम लोग तीन बिंदु निकालेंगे और फिर उसका आलेख खींचेंगे। चलिए देखते हैं, अब यहां पर मान लेंगे x बराबर 4, अगर x बराबर 4 लेते हैं तो क्या होगा, यहां 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 में 14 घटेगा -2 बचेगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, +2 को 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो y का मान पूर्णांक आएगा, इसलिए x बराबर 4 लिए हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो यह है 3x, x का मान है 4 प्लस 2y -14 बराबर 0, ये हो गया 12 प्लस 2y -14 बराबर 0 और ये 12 -14 ये हो जाएगा -2 प्लस 2y बराबर 0 और यहां से 2y बराबर हो जाएगा +2, y बराबर हो जाएगा +1। ठीक है, तो x बराबर 4 के लिए y बराबर 1 आ गया। अब x बराबर अगर हम 2 मानते हैं तो ऐसे में y का मान फिर से पूर्णांक आएगा, देख सकते हैं आप, x अगर 2 मान लेते 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 14 घटेगा या 8 बचेगा, 8 इधर आ जाएगा तो 8 को फिर 2 से भाग दिया 4 आ जाएगा, इस तरह से ये y का मान फिर पूर्णांक आएगा। चलिए पुट करके मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3 गुना x का मान है 2 फिर प्लस 2y और -14 बराबर है 0, तो यहां से हो जाएगा 6 प्लस 2y -14 बराबर 0, 2y -8 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां से 2y बराबर +8 या -8 इधर के +8 हो जाएगा और y बराबर ये 8 को 2 से भाग लग जाए तो 4 हो जाएगा, तो y का एक दूसरा मान जो कि पूर्णांक में निकल गया वो आ गया। अब इसी तरह से फिर x का तीसरा मान मानेंगे, अब यहां पर अगर आप मान लेंगे कि माना x बराबर 0 तो देखेंगे अब यहां से फिर से y का मान पूर्णांक आएगा, वो कैसे, आप यहां पर x 0 पुट करेंगे, 0 गुना 3 0 हो जाएगा, ये -14 इधर आ जाएगा +14 और ये 2 से भाग लग जाएगा 7 आ जाएगा, तो y का मान फिर से पूर्णांक आएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं, तो x का मान 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा 3 गुना 0 प्लस 2y -14 बराबर 0, ये 3 गुना 0 0 हो जाएगा प्लस 2y -14 बराबर 0 और यहां से 2y बराबर हो जाएगा +14 और y बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से x बराबर 0 तो y बराबर 7। अब यहां पर तीन बिंदुओं का आप सारणी फिर ऐसे ही बना सकते हैं, मैं यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं ये सारणी नहीं बना रहा हूं, और ये तीन बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, पहला बिंदु हो जाएगा x 4 y 1, दूसरा बिंदु हो जाएगा x 2 y 4, तीसरा बिंदु हो जाएगा x 0 y 7। यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसका ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहला बिंदु है 4.1, तो 4.1 को दर्शा देते हैं, तो 4.1 x है 4 y है 1, तो ये है x 4 ठीक है और y है 1 यहां पे ऊपर की ओर है, तो ये इस तरह से आप यहां पर जाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा x 4.1। दूसरा बिंदु हो जाएगा x 2 y 4, x 2 यहां है और y 4 यहां है, ये यही वाला बिंदु हो गया x 2 y 4, और तीसरा बिंदु हो जाएगा x 0 y 7, x 0 यहां पर देख सकते हैं x 0 और y 7 वो यहां पे है। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा x 0 y 7।
अब क्या करना है, इन तीनों से होते हुए एक लाइन को खींच देना है और यही हो जाएगा इस समीकरण का आलेख। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये दोनों आलेख कट कहां रहा है, ये कट रहा है 2.4, 2.4 पे कट रहा है, इसलिए इस दोनों समीकरण युग्म का जो हल होगा वो 2.4 होगा। चलिए हम यहां लिखते हैं, तो यहां नीचे लिखेंगे कि दोनों समीकरण का आलेख 2.4, 2.4 पर कटता है, इसलिए समीकरण युग्म का जो हल होगा वो x बराबर 2 और y बराबर 4 होगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का आप ग्राफी विधि से हल निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।